नमस्कार, 10 को खबरों की खबर कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों के साथ। जम्मू में सांप्रदायिक तनाव के बाद भद्रवाह शहर में लगा कर्फ्यू, मामले के गरमाने के बाद शहर में बुलाई गई सेना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, अगले 5 दिन में असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में होगी मूसलाधार बारिश। दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर में चोरी के आरोप में 4 लोगों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से नगद और जेवरात किए गए बरामद। ज्ञान वापिस सर्वे का आदेश देने वाले जज को धमकी देने के मामले में दर्ज कराई गई FIR। जज को इंटरनेट कॉल और रजिस्टर्ड चिट्ठी भेजकर दी गई धमकी। महाराष्ट्र में शिवसेना गठबंधन के उम्मीदवार को समर्थन देगी OVC की पार्टी, मदद के बदले की मुस्लिम आरक्षण की मांग। लद्दाख में ठंडा रेगिस्तान कहे जाने वाले रेत के टीलों पर एक कपल ने चलाई फॉर्च्यूनर, जोड़े को लगा 50,000 का जुर्माना। मैक्सिको में उद्घाटन के समय हुआ हादसा, पुल के टूटने से 10 फीट नीचे गिरी मेयर की बीवी। IMF में भारतीय कृष्णा श्रीनिवासन संभालेंगे एशिया प्रशांत क्षेत्र की बागडोर, निर्देशक के पद पर हुई नियुक्ति। पाकिस्तान के सिंधु में हिंदू मंदिर की मूर्तियों के साथ हुई तोड़फोड़, पुलिस ने किया मामला दर्ज। मंकी पॉक्स का खतरा अब नियमित पाए जाने वाले देशों में आगे बढ़ा, WHO ने की 1,000 से अधिक मामलों की पुष्टि। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में नेपाल, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में संपन्न हुए 3 दहेज रहित विवाह। पाकिस्तान में एक यात्री बस गिरी खाई में, दुर्घटना में 22 लोगों की हो गई मौत, केवल एक बच्चे की बच पाई जान। भारत में फिर से डराने लगी है कोरोना की बढ़ती रफ्तार, 7,584 नए मामले आने के बाद 24 घंटे में 24 लोगों ने तोड़ा दम। जानवरों के लिए आत्मनिर्भर वैक्सीन की गई लॉन्च, यह वैक्सीन डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से करेगी रक्षा। अमेरिकी सैन्य विमान कैलिफोर्निया में हुआ हादसे का शिकार, हादसे में 5 मरीन की हो गई मौत। राज्यसभा इलेक्शन में बिना वोटिंग के ही 40 उम्मीदवार बने सांसद, सूची में उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ समेत 11 राज्यों की सीटें हैं शामिल। बेंगलुरु में BMW से सिग्नल तोड़ने पर पुलिस कर्मियों से भिड़ी भाजपा विधायक की बेटी, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने पर विधायक की बेटी पर लगाया गया 10,000 का जुर्माना। ब्रिटेन में शुरू हुए 4-डे वर्क वीक कैंपेन में 3,300 लोगों और 70 कंपनियां ले रही हैं हिस्सा, अब कर्मचारियों को हफ्ते में 3 दिन छुट्टी और बस 4 दिन करना होगा काम। जोधपुर में हाई स्पीड ऑडी कार ने 11 लोगों को मारी टक्कर, घटना में एक शख्स की हो गई मौत। अमेरिका के मैरीलैंड की एक फैक्ट्री में 2 लोगों ने दागी गोलियां और ले ली 3 लोगों की जान, घटना में एक शख्स को किया जा चुका है गिरफ्तार। राज्यसभा चुनाव के बीच राजस्थान के आमेर में हुआ इंटरनेट बंद, सुरक्षा का हवाला देकर लगाया गया बैन। दिल्ली को करना पड़ रहा है पानी की कमी का सामना, दिल्ली के कई क्षेत्रों में भेजा जा रहा है लो प्रेशर वाटर। ईरान में हुआ बड़ा हादसा, ट्रेन के पटरी से उतरने से 22 लोगों की हो गई मौत, वहीं 87 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। जुमे की नमाज को लेकर UP पुलिस हुई अलर्ट, कानपुर में लगाई गई धारा 144, वहीं दूसरे शहरों में भी करवाई गई सतर्कता। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में गोल्डे बरार के खिलाफ इंटरपोल ने जारी की रेड कॉर्नर नोटिस। सूत्रों के हवाले से खबर, लद्दाख सीमा पर चीन बढ़ा रहा है अपनी ताकत, दोगुनी की फाइटर जेट्स की संख्या। UP में प्रदर्शनकारियों पर योगी सरकार हुई सख्त, प्रदर्शनकारियों को कड़ा सबक सिखाने के निर्देश, 130 से अधिक अरेस्ट। राष्ट्रपति चुनाव के लिए तारीखों का किया गया ऐलान, 18 जुलाई को मतदान और 21 जुलाई को मिलेंगे परिणाम। नूपुर शर्मा के बयान पर 12 राज्यों में शुरू हुए प्रदर्शन और हिंसा, भारत ही नहीं इससे दर्जनों मुस्लिम देश भी आए आक्रोश में। जुम्मे की नमाज के बाद प्रयागराज में चले देसी बम, 6 जिलों से गिरफ्तार किए गए 136 उपद्रवी। नूपुर शर्मा के खिलाफ हावड़ा में उपद्रवियों ने लगाई थाने में आग, भाजपा दफ्तर कर डाला तबाह, शहर में इंटरनेट बंद करने के साथ साथ लागू हो गई धारा 144। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी को मिला ED का समन, 23 जून को होगी अगली पेशी। कोर्ट ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के बर्खास्त हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर विजय सिंगला को न्यायिक हिरासत में भेजा, टेंडर समेत हर काम में मांगा था 1% कमीशन। CM मान ने कनाडा के हाई कमिश्नर से की मुलाकात, गैंगस्टर्स को पंजाब लाने पर किया जा रहा है मंथन। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ब्रिटेन के डिफेंस सेक्रेटरी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति से की मुलाकात, समर्थन के लिए जेलस की बोले थैंक यू। हरियाणा में 3 साल में 25,000 हुई फ्लिपकार्ट के विक्रेताओं की संख्या, 59,000 से ज्यादा लोगों को मिला रोजगार। राज्यसभा में बड़ी महिला शक्ति, महिला सांसदों की संख्या पहली बार हुई 32। 9 सैनिकों को सरकार का तोहफा, समुद्री यात्रा भत्ते में इजाफा करने का किया गया ऐलान। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में युवक को पीटकर जिंदा कुएं में फेंका, युवक की तड़प तड़प कर हो गई मौत, मामले में अब तक 2 लोग किए जा चुके हैं गिरफ्तार। गोवा में होगी 10th अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन, 12 जून से होगी शुरुआत।